तो नमस्कार दोस्तों, फिर अभी यहाँ पे हम जब पहुँच गए हैं, जो हमें ये एक सी फाइल मिली है VSDC की, इसको सिंपली हम राइट क्लिक करके ओपन करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ये आसानी से ओपन हो जाएगा, और ओपन होते ही हमें एक पॉपअप विंडो आएगी जो कि एडमिनिस्ट्रेटर मोड में हमें पूछेगा। तो आप अगर चेक कर सकते हैं, आप में एरर वैसे देकर जैसे आप किसी दूसरे अकाउंट में लॉग इन हैं तो वहाँ पर, तो यहाँ पर सिंपली इसको ओके कर दीजिए। यहाँ पर काफ़ी सारा लाइसेंस खुलाना डिकामा है, यहाँ पर इसको आप देख लीजिए और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। सारे ऐप्स एप एक्सेप्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ। यहाँ पे ये फाइल की लोकेशन मांग रहा है, तो फाइल की लोकेशन हम कहीं भी दे सकते हैं इसको। अधिकतर ये सी ड्राइव में हमारा होता है, लेकिन हम चलो हम आपको आपके लिए हम इसको ई ड्राइव में सेव कर देते हैं। तो ई ड्राइव में सेव करने के बाद अब हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे फिर से नेक्स्ट पे। तो अभी हमसे पूछ रहा है कि जो VSDC है इसका एक डेस्कटॉप आइकन बना दे। हाँ भैया बना दो, ज़रूर बना दो। तो इस पर चेक कर दिया मैंने, अब बोल रहा है ये इसका कैप्चर डेस्कटॉप आइकन भी बना दे जो वीडियो कैप्चर करे। नहीं भैया, इसके में कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो फिर भी बना दो। अब ये पूछ रहा है ये इसके जो भी है सारे वो स्टोर कर सकता है वीडियोस को। हम कर दिया, बिल्कुल कर सकता है। अब हम इसको नेक्स्ट करें, फिर अगर आपको इसको पढ़ना है तो पढ़ लो, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो। अब इसको सिंपली नेक्स्ट कर देंगे, तो यहाँ पे इसकी इंस्टॉलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे जो आपको माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ दिखा था वो सिंपली किस चीज़ के लिए था, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है वो C++ में बनाया गया था। तो ये देखिए, अब धीरे धीरे ये इंस्टॉल हो रहा है। हो सकता है आपके सिस्टम में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले, क्योंकि ये थोड़ा हैवी माना जाता है, लेकिन फिर भी ये आसानी से आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, परेशान नहीं होगा। ये जो यहाँ पे एक्सट्रैक्टिंग फाइल आपको दिखाई दे रहा है, और ये सारे जो भी चलते रहे हैं कि ये फाइल वे फाइल, ये आपके सिस्टम में सिंपली कॉपी पेस्ट हो रहे हैं, पेस्ट हो रहे हैं एक तरीके से। मान लो यहाँ पे शॉर्टकट बन रहा है जो भी है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो कहाँ पे है। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा मैं आपको तुरंत वहाँ पे दिखा दूँ। देखिए अब यहाँ पे दो आइकन्स हमारे आ गए हैं, ठीक है, शॉर्टकट इसके आ गए हैं, शॉर्टकट आइकन आ गए हैं। यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर भी है हमारे साथ, एक ही इंस्टॉल करेंगे तो हमें तीनों स्क्रीन रिकॉर्डर भी मिल जाएगा, और सॉरी स्क्रीन रिकॉर्डर भी मिल जाएगा, वीडियो कैप्चर मिल जाएगा, फ्री वीडियो एडिटर तीनों मिल जाएगा हमें। अब हम इसको लॉन्च करके फिनिश कर लेंगे, लॉन्च चेक करके। अगर आपको चेक ना हुआ तो आप चेक कर लेना। अभी सिंपली यहाँ से ऑटोमेटिकली ओपन होगा, तो देखिए ओपन हो रहा है, देखिए क्या होता है। थोड़ा टाइम लेगा यहाँ पे फिलहाल, कि ये सारी जो फाइल्स हैं यहाँ पे ये लोड कर रहा होगा, ये इसके टेम्पलेट्स को इंस्टॉल कर रहा होगा। तो आप ऐसे देखते करिए, सिंपली आसानी से इंस्टॉल होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी आपको। और एक बात ये बता दी, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसके अंदर, ये भी पहली बार हुआ है ना, पहली बार इंस्टॉल हो तो थोड़ा टाइम लेगा ये बनना, क्योंकि ये भी हमारी तरह आपकी तरह वो अभी जो भी फाइल बना रहा है। तो देखिए अभी ये बता रहे भैया इसको प्रो, इसको प्रो सॉल्यूशन नहीं, भैया हमें प्रो नहीं चाहिए, अपग्रेड नहीं करना, हमें अभी इसी से प्रोटोटाइप में देखना है। तो यहाँ पे आपको कई सारे आप बैंक प्रोजेक्ट गेट लाइट लो इम्पोर्ट कॉन्टेंट वीडियो कैप्चर स्क्रीन कैप्चर, ये सारे प्रोग्राम्स सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट मिल जाएगा, आप पे प्रोजेक्ट ले सकते हैं, आप यहाँ पे वीडियो में जो भी करना है, यहाँ पे एडिटर FX बेसिक मोड कई सारी चीज़ें टूल्स, इसके कई सारे टूल्स मिल जाएंगे। वॉइस रिकॉर्डर मिल जाएगा, डिस्क बर्नर मिल जाएगा, यानी कि जो जिसको डिस्क में आपको वीडियो, और भी आप यहाँ से डायरेक्टली यूट्यूब पर भी अपलोड कर सकते हैं। वीडियो को स्टेबलाइज भी करता है ये बंदा। तो अभी अब मैं आपको दिखा दूँ जो इसकी फाइल एक्सट्रैक्ट हुई थी वो कहाँ पे है। तो जो फाइल एक्सट्रैक्ट हुई थी सिंपली आप जाइए कहाँ पे, माई PC में या जिस PC में, माई कंप्यूटर में, जहाँ भी आपको जाना है, जिस ड्राइव में हमने सेव किया है, अब उसी ड्राइव को हमने डायरेक्टली सिंपली ओपन करेंगे। अभी देखो यहाँ पे एक फाइल बन गई होगी फिल्मोरा करके, ये देखो। तो इसमें वीडियो एडिटर है, अनइंस्टॉल इसका अनइंस्टॉलिंग का पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल होता है डेट फाइल में जो कि है, और एक एप्लीकेशन है। तो ये देखिए ये सारे टूल्स हैं इसके। अभी इसके बारे में आपको इसका लाइसेंस अगर देखना हो तो आप इसका लाइसेंस भी देख सकते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2010 में इंस्टॉल किया तो उसमें ये दिखाई देगा। तो ये देखिए इसका ये लाइसेंस है, ठीक है, इसका लाइसेंस है। सिंपली आप यहाँ पे इसका लाइसेंस देख सकते हो, और यहाँ पे इसके बारे में भी देख सकते हो। सिंपली आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा देगा। और एक सेकेंड, ये जो लिंक है आपको www.videosoftwave.com, यहाँ से भी आप जाके कोई भी क्वेरी और जो भी आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है आप कर सकते हैं। तो अगर आपका सिस्टम 64-bit का है तो आप 64-bit इंस्टॉल करना, अगर आपका सिस्टम 32-bit का है तो आप 32-bit इंस्टॉल करना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में बात करें किस तरह से स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हैं। अभी जैसे ही इसकी स्क्रीन रिकॉर्डर की बात कर लें, तो
मैंने ऑलरेडी एक इसके रिकॉर्डर जो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे ये पावर सॉफ्ट, इसको मैंने यूज़ कर रखा है, मैं आपको दिखा दूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। ये जो जानकारी है आप अपने पास ही मत रखो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहो। धन्यवाद।